पहुंच गई हूँ। हाँ बस मैं पहुँचने वाला हूँ। तुम ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे खड़ी हो राइट? हाँ बेबी प्लीज तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। हाँ बेबी बस मैं 5 मिनट में पहुँच ही रहा हूँ। वैसे ये बताओ तुमने पहना क्या है? अब मैंने ना तुम्हारा फेवरेट टी स्टॉप पहना है। आप तो जल्दी आ जाओगे प्लीज। हाँ मैं बस पहुँच रहा हूँ। किसी का प्यार पाने में, भरोसा जीतने में उम्र बीत जाती है, लेकिन उस भरोसे को तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता है। इस बेचारी लड़की को तो गुमान तक नहीं था कि जिस आदमी से वो इतने प्यार से बात कर रही थी उसने उसे यहाँ किस मकसद से बुलाया था। लेकिन आखिर इस लड़की को मारने की कोशिश की क्यों जा रही थी? क्या ये धोखा था या फिर बदला? ये जानने के लिए हमें इस लड़की की जिंदगी को, इन दोनों के रिश्ते को थोड़ा और करीब से देखना होगा। अतिथि, कोई देख लेगा? क्या कर रही हो, पागल हो गई क्या? तुम बहुत शर्मा रहे हो आज। मैं शर्मा रही हूँ लेकिन कोई देख लेगा। यही सब करना है तो घर चलते ना। हमारे घर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर 8 बजे के बाद घर पहुँची तो वो हिटलर बैंड बजा देगा। तुम्हारे पापा भी, उनसे क्या डरना? मेरे पापा से सब डरते हैं, तुम भी। मैं नहीं डरता, कहीं मिल गए तो बोल दूंगा अदिति मेरी गर्लफ्रेंड, जो करना है कर लूंगा। अच्छा नहीं डरते? बाहर खड़े चलो मिलो। क्या डरपो, कल मिलते हैं। बहुत बड़ी हो गई हो तुम, आजकल लड़कों के साथ बाइक पे घूमने लगी हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्राची, शर्मा जी ने मुझे सब बता दिया। क्या कर रही थी? पापा मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। वो ट्रांसपोर्ट वालों की स्ट्राइक थी ना, तो सुदेव ने बस मुझे लिफ्ट दी थी। ये सुदेव तुम्हारे साथ आजकल क्यों घूम रहा है? और पापा ऐसा कुछ नहीं है, सुदेव को मैं बचपन से जानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो, आ गई मैडम, आइए आइए। कहाँ थी अब तक, किसके साथ थी? पापा प्लीज आते ही शुरू मत हो जाइए। दीदी चुपचाप खड़ी अपनी बकवास सुन लेती है पर मैं नहीं सुनूंगी। ये तरीका है बड़ों से बात करने का? यही सिखाया मैंने तुम्हें? किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं आप मेरे ऊपर? 8 बजे आने को बोला था, आ तो गई हूँ। पापा एक एक मिनट, तू चल मेरे साथ चल। कभी ऐसे बात करते हैं पापा से? दीदी आप मत बोलो मुझे, पता नहीं आप कैसे उनकी बकवास सुनते रहते हो दिन रात। मैं नहीं सुनने वाली। क्या कर रहे हो? छोड़ो। अच्छा मेरी छोटी, तू ना गुस्सा तेरी नाक पे रखा रहता है, अभी निकालती हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। सुनो आप बड़ा सुदेव के साथ बाइक पे बैठे घूम रहे हो? हाँ तू पागल है क्या? सुदेव ना मेरे भाई जैसा है। लेकिन तू मुझे बता, तू आजकल किसके साथ घूम रही है? मैं किसके साथ होंगी दीदी, शॉपिंग कर रही थी अकेले। इस हिटलर के होते हुए मेरा बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकता। हीरा का कॉल है। पापा के ऊपर ये घड़ी अच्छी लगेगी। तुम्हें याद है आज क्या है? आज? हाँ क्या? इडियट। अरे बता तू तो यार अदिति, हमारी 6 मंथ्स एनिवर्सरी है।
भूल गए ना तुम कितना ढूंढ के तुम्हारे लिए परफ्यूम लाई थी। अदिति अदिति वाओ तुम्हें याद था कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा एक बार पहन के दिखाओ ना बहुत हॉट लगूंगी। अच्छा Bye. I have to go. Aditi. Bye, 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 bye. और क्या मोबाइल पे अलार्म लगाना तो आता नहीं है आपको। दवाई टाइम पे कैसे लोगे आप? हाँ देखो मेरी माँ तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ऐसी ड्रेस पहुँच दी जाए जिसमें अलार्म भी हो। अब तो खाएंगे ना आप दवाई टाइम पे। ये क्या? ये तो परफ्यूम है। हमारी 6 months एनिवर्सरी यार। कितना ढूंढ के तुम्हारे लिए परफ्यूम लाई थी। अब पापा ये कैसे मुझे नहीं पता। मैंने तो अपने सामने पैक करवाया था। ये आदिति का तो नहीं? आदिति ये तुम्हारा तो नहीं है? हाँ मेरा ही है। वो परफ्यूम ना पापा के लिए लाई थी। तू मेरे लिए? किसके लिए खरीदा है ये? मैंने अपने लिए खरीदा है। मेंस परफ्यूम खरीदा है खुद के लिए? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? पापा प्लीज। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ मैं किसी के लिए भी परफ्यूम खरीदूं आप कौन होते बोलने वाले? पापा ये क्या कर रहे हो आप? बात करने की तमीज नहीं? दिन भर आवारागर्दी करते फिरती लड़कों के साथ हम उससे तमीज लड़ा रही है ये? अदिति कहाँ जा रही? अदिति कहाँ जा रही हो? अदिति अपने लिए नहीं अलमारी लेने। अदिति पापा पापा अपनी बात सुन। पापा आप परेशान मत होइए मैं बात करती हूँ मैं संभालती हूँ उसे आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हेलो। अरे नहीं घर में अभी बहुत टेंशन चल रहा है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ऐसे नहीं चल सकते। क्या मतलब? हर चीज पे रोक टोक हर बात पे लड़ाई बस अब ऑन ही होगा। दीदी थोड़ा टाइम दो सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? अभी जाके पापा को सब कुछ बता देते। मैं साफ साफ बोल दूंगी कि तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ बस फिर जो होगा देखा जाए। कम से कम उसके बाद ऐसे छुप छुप के तो नहीं मिलना पड़ेगा। चलो। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे मैं नहीं डरता तुम्हारे बाप से अब क्या हो गया? दीदी बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों क्या गलत बोला मैंने? मैं शादी नहीं करनी क्या? अरे मैंने ऐसा कब ऑफिस से फोन नहीं मुझे उठाना पड़ेगा। अदिति हम लोग आराम से बैठकर डिस्कस करेंगे। अदिति आई हैव टू टेक दिस। मैंने कहा ना हम लोग आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे सब ठीक हो जाएगा। ओके हेलो हाँ मैं बाद में बात करती हूँ।
अलसी क्या हुआ, कहाँ है तू आजकल? दो दिन से ठीक से बात भी नहीं किया। आदिति अदिति तुम यहाँ? फोन कहाँ है तुम्हारा? अवॉइड कर रहे हो मुझे? हाँ पापा से मिलने की बात क्या कही, तुम तो गायब हो गए। अदिति मुझे बहुत काम है, प्लीज। सब पता है मुझे कि तुम्हें क्या काम है। किससे मिलने जा रहे हो? अनुष्का से या फिर प्रिया से? अदिति क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे गार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरे जाने के बाद क्या क्या होता है तुम्हारे इस घर में? अनुज मैं पुलिस स्टेशन जाके तुम्हारी कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ। शादी का वादा मेरे साथ और मजे किसी और के साथ? सड़ोगे तुम जेल में, देखते जाओ बस। अदिति अदिति रुको, तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ चलो। कहाँ? तुम्हारे पापा से बात करके सब अभी सेटल करते हैं। चलो आओ। चलो अनुज। नहीं अनुज, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू गॉन मैड? पापा से मिलना है। पापा से बात नहीं मिलेंगे, रोड पे क्या कर रहे हो अनुज? अनुज एक इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं है। किसी को मार डालना इतना आसान हो गया है आज। ये देखकर डर लगता है कि हमारे बीच, हमारे बच्चों के आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारा समाज पर से विश्वास उठता जा रहा है। ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि किसी की जान तक लेने से पहले जरा भी हिचकिचाते नहीं है। अदिति ये जानकर हैरान थी कि जिस लड़के से वो इतना प्यार करती थी उसी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन उसने ये तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वही लड़का उसे इतनी बेरहमी से मार भी सकता है। अनुज जैसे जानवरों को सलाखों के पीछे पहुंचाना जितना जरूरी है, कई बार उन्हें पकड़ना उतना ही नामुमकिन हो जाता है। रहने दो, कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की। पापा आदिति होगी। पता है, इसलिए बोल रहा हूँ। रहने दो भूखे पेट बाहर, ये कोई टाइम है घर आने का? पापा प्लीज। मिस्टर शेखर मिश्रा। अदिति मिश्रा के फादर आप ही हैं? हाँ जी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? मैंने उसे कितनी बार कहा था कि हाईवे पर देखकर चला करे। देखिए, मैंने ट्रक ड्राइवर का भी स्टेटमेंट लिया और वहां खड़े हुए लोगों से भी बात की है। मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट था, मुझे तो ऐसा लगता है कि अदिति जानबूझकर ट्रक के सामने आई है। क्या? अच्छा एक बात बताइए, शायद आपको कुछ पता हो कि अदिति ऐसा क्यों करेगी। उसका किसी से लड़ाई झगड़ा, कोई परेशानी?
ये तरीका है बड़ों से बात करने का? यही सिखाया मैंने तुम्हें? किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो मेरे ऊपर? मेंस परफ्यूम खरीदा है खुद के लिए, बेवकूफ समझ रखा है मुझे? पापा ये क्या कर रहे हो आप? हाँ मैंने उसे थोड़ा डांटा जरूर था, पर झगड़ा किस घर में नहीं होता? जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, झगड़ा किस घर में नहीं होता। हमारे भी बेटियां हैं, हम भी उनको डांटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डांट खाने के बाद वो सुसाइड करने चली जाएं। और मैंने तो उसकी भलाई के लिए। एक मिनट आपसे बात करनी है, आप आएंगे उधर? अभी मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो आपको यहां मैं दोबारा भी बुला सकता हूं। अभी आप जा सकते हो। वो इंस्पेक्टर क्या बोल रहा था? वो चाहे कुछ भी बोले, मेरी नजर में आदित्य का खूनी आप हो। आपने मारा है उसे, साबित कर दिया आदित्य ने कि आप गलत थे। अब तो खुश है ना? रची मैं मैडम वो अलमारी की डिलीवरी कहाँ रखनी है? कहाँ जा रही हो अदिति? अपने लिए नई अलमारी लेने। अदिति अलमारी से कुछ मिला है। ये देखो, ये आदित्य को किसी ने गिफ्ट किया था। मुझे तो लगता है पापा ठीक कहते थे, जरूर उसे ये किसी लड़के ने ही गिफ्ट किया होगा। पर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि उनके झूठ को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। रजत, अनुज, जो भी नाम था इसका,
ये शख्स दो लड़कियों को, बल्कि कहिए कि दो बहनों को अपने इशारों पर कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। और मदद मांगने प्राची अपनी ही बहन के कातिल के पास जा रही थी, इस बात से बेखबर कि उसकी मदद करना तो दूर, अनुज तो उसे सच्चाई के आसपास फटकने भी नहीं देगा। अपनी इस तलाश में प्राची अकेली तो थी ही, अनजाने में वो अदिति के कातिल के बेहद करीब भी थी, यानी इस वक्त खुद प्राची की जान भी खतरे में थी। तो क्या असलियत सामने आने से पहले ही अनुज प्राची को भी अपने रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाएगा? प्राची कैसी बातें कर रही हो? अदिति का बॉयफ्रेंड होगा, तुम्हें पता नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो किसने दिया होगा उसे ये गिफ्ट? मैं बता रही हूँ तुम्हें कि अदिति का कुछ ना कुछ चक्कर जरूर चल रहा था। उस दिन जब वो घर से निकली तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हो सकता है कि उस लड़के को पता हो कि अदिति ने क्यों। प्राची, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। अच्छा चलो, उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? उसके फोन नंबर से। फोन नंबर से कैसे? अदिति का फोन तो मिला नहीं था। अरे फोन नहीं है तो क्या हुआ, इंटरनेट से उसका मोबाइल बिल तो पता चल जाएगा। ये देखो, यही है वो नंबर, रात को 12 बजे भी इसी नंबर से फोन आया था। और ये देखो, लास्ट फोन भी इसी नंबर से है। मैं अभी इस नंबर पर फोन करती हूँ। ऑफिस से मैं बात करता हूँ। प्राची जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। हमारी भी बेटियां हैं, हम भी उनको डांट देते हैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं करती ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे, मैं दो दिन से ये नंबर ट्राई कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। 4 दिन पहले आदित्य के फोन से इस नंबर पे फोन गया था। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप प्लीज पता कीजिए। देखिए प्राची, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये एक सुसाइड केस है, फिर भी आप कह रही हैं तो हम ट्राई करते हैं, लेकिन इन चीजों में टाइम लगता है। आप मिस्टर शेखर है ना? क्या आपने मेरे से अदिति ने सुसाइड किया? क्या आप अदिति को मारते पीटे थे? क्या हो रहा है सर? आप प्राची है ना, अदिति की बड़ी बहन? ये सच है, आपकी बहन की मौत के जिम्मेदार आपके पिता है? क्या बकवास है ये सब? ये बकवास है, आपको जवाब देना होगा। आप जवाब दीजिए हमारी बात का, आपको जवाब देना होगा। पापा, ये सब क्या था? ये लोग यहाँ कैसे? रहने दो प्राची, सही कह रहे हैं सब, मेरी ही वजह से सब हुआ। नहीं पापा, पापा आदित्य की मौत के जिम्मेदार आप नहीं हो। मैंने पता किया, उसकी जिंदगी में कोई था, मेरे पास उसका नंबर भी है पापा। तुम सही कहती थी प्राची, आदित्य ने साबित कर दी कि मैं गलत हूँ। नहीं पापा, आप मुझे नहीं समझ रहे हो। आपको पता है मुझे आदित्य की अलमारी। रहने दो, अब कोई फायदा नहीं। रजत कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना पापा ना पुलिस। रजत, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा कोई दोस्त जो मोबाइल कंपनी में काम करता है, तुम प्लीज उससे पूछो कि क्या वो मेरी मदद कर सकता है।
वो उस नंबर के बारे में हमें कुछ बता सकता है? हाँ तो मैं आकाश से बात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। तुम अंकल का ख्याल रखो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है। हाँ, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे खड़ी हो, राइट? हाँ बेबी, प्लीज तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ ना। वैसे तुमने पहना क्या है? अब मैंने ना तुम्हारा फेवरेट टी स्टॉप पहना है। आप तो जल्दी आ जाओगे प्लीज। हाँ मैं बस पहुंच रहा हूँ। अरे ओ मैडम, ऊपर काम चल रहा है, ईंट पत्थर गिर सकते हैं। हटिए, यहाँ बात कर रहे हैं आप, हटिए। प्राची, क्या हुआ? रजत, पता नहीं, ऊपर से बहुत बड़ा एक पत्थर लगी क्या? चलो हॉस्पिटल चलो। मुझे लगी है। सुनिए, मेरी बेटी वो प्राची, प्राची कहाँ है, कैसे है वो? आराम से, आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक है। अच्छा वो उनके पति उनको टाइम पे ले आए। कहाँ है वो? इसी रूम में है। पापा पता नहीं कहां से वो ब्रेक मेरे ऊपर गिर गया। वो तो अच्छा हुआ उस आदमी ने मुझे वार्न कर दिया। कौन था उस वक्त तुम्हारे साथ? पापा प्लीज, वो बस मेरा दोस्त है रजत। बुलाओ उसको, मुझे भी मिलना है। अगर तुम ना होते तो रजत, मेरी बेटियों ने कभी मेरा कहना माना ही नहीं। एक को तो मैंने खो दिया और ये है कि पता नहीं कहां कहां घूमते रहती है। नहीं अंकल, मैं जानता हूं प्राची आपसे कितना प्यार करती है। समझाओ इसे, ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होता। आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना उसके साथ। ख्याल रखना इसका। जी। थैंक यू वेरी मच। प्रीति, वो मैंने उस नंबर के बारे में पता करने के लिए कहा था ना, कुछ पता चला? अच्छा ठीक है।
क्या हुआ प्राची, क्या इमरजेंसी है? रजत, रजत मुझे पता चल गया है कि वो लड़का कहाँ रहता है। क्या, कहाँ? रजत, वो लड़का तुम्हारी ही सोसाइटी में रहता है। मैंने तुम्हें कहा था। रजत देखो, रजत अदिति की मौत यही हुई थी ना। हो सकता है वो उसी लड़के से मिलकर वापस आ रही। प्राची, यहाँ पर हजारों बिल्डिंग्स हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो? क्यों नहीं समझ रहा है? मैंने घर जाकर वो बैग चेक किया था, जो गिफ्ट उसने आदित्य को दिया था, एक वैसी ही शॉप मैंने तुम्हारी सोसाइटी के पीछे देखी। तुम्हें याद है जब कल वो रिक्शा वाला मैं पीछे के रास्ते से लेके जा रहा था, तभी मैंने नोटिस किया था। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन मानो वो बंदा वही कहीं रहता है। प्राची ठीक है, तो मेरी सोसाइटी से, लेकिन मेरी सोसाइटी में कितनी बिल्डिंग्स है, हजारों लोग रहते हैं, तुम्हें कैसे मिलेगा? रजत देखो, हर बिल्डिंग में एक गार्ड होता है, एक रजिस्टर होता है। हम सारी बिल्डिंग्स में जाके चेक करेंगे। मुझे यकीन है कि आदित्य ने कहीं ना कहीं एंट्री जरूर की होगी। वैसे तुम अपने पापा को बता करके आई हो कि तुम मेरे साथ? हाँ, पापा को पता है। चलो। प्राची, 9 बिल्डिंग्स हो गई हैं, कुछ नहीं मिला अभी तक। हाँ, लेकिन 3 और बाकी हैं अभी। प्राची, चलो ना घर चलते, आराम करते, बाकी बिल्डिंगें शाम को देख लेंगे। प्राची प्लीज, देखने दो ना। प्लीज चलो ना, प्यास लग रही है बहुत। प्लीज मैं पानी लेकर आता हूं। हेलो, क्या हुआ? नंबर मिल गया? जी हाँ, आपका शक सही निकला। आपने जो नंबर दिया था, हमने उसे ट्रैक किया है, और जिसके नाम पर वो नंबर था, वो 2 साल पहले मर चुका है। उसका नाम अनुज था, और उसके परिवार वालों ने उसकी मौत के बाद उसका मोबाइल बेच दिया था, लेकिन सिम उसके अंदर ही रह गया, और जिसको मोबाइल बेचा वो उसी सिम के अंदर बैलेंस डालकर उसको यूज कर रहा था। लेकिन सर, वो अचानक ऐसे गायब कैसे हो गया? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि वो लड़का एनएल कॉलोनी में रहता है। आप प्लीज वहां पूछताछ करवाइए, जरूर कुछ पता चलेगा। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है रजत? रजिस्टर में भी कोई एंट्री नहीं है, और तुम्हारे बिल्डिंग का तो रजिस्टर भी गायब है। पुलिस भी कुछ नहीं पता कर पा रही है। क्या हुआ होगा आदित्य के साथ रजत? प्राची, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, पुलिस कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेगी। मैं पानी लेकर आता हूं। ये अलार्म भी मैं रोज बंद करना भूल जाता हूं।
ये देखिए मैडम, ये एकदम लेटेस्ट मॉडल है। इस रिस्टवॉच में अलार्म भी आसानी से बजता है। ठीक है, पैक कर दीजिए। क्यों ना आपको ऐसा रिस्ट वॉच दिया जाए जिसके अंदर अलार्म भी हो। अब तो खाएंगे ना हम दवाई टाइम पे। ये अलार्म भी मैं रोज बंद करना भूल जाता हूँ। भैया वापस चलिए। प्राची, 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 प्राची क्या कर रही हो? कहां से आई ये घड़ी? ये तो वो मेरे मतलब मेरे आदित्य ने दी थी गलती से। दोनों बहनों ने जीना मुश्किल कर दिया था मेरा। उसको भी सब पता चल गया था। पुलिस के पास जाने वाली थी। मैंने उसको हाईवे से बहुत दूर भेज दिया। छोड़ो मुझे! पहले कि तुम पुलिस के पास जाओ, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ करना होगा। छोड़ो मुझे! क्या है सब? ये क्या है? तो ठीक है बिटिया, तुम्हें क्या लगा था मैं सीधा तुम्हारे घर आऊंगी? इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आदित्य का खून ही मिल गया है। जो गिफ्ट मैंने अपने पापा को दिया था, उस गिफ्ट की अदला बदली हो गई और गलती से वो गिफ्ट आदित्य ने रजत को दे दिया था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि वो लड़का उसी सोसाइटी में रहता है और उसी दिन रजत की बिल्डिंग का रजिस्टर भी गायब था। प्राची जी, मैं सब समझता हूँ पर इन सबसे कुछ साबित नहीं होगा। प्लीज अंकल, आप बस टाइम पे उसके घर पहुंच जाइएगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्लीज। शर्म आती है मुझे अपने आप में कि मैंने तुम जैसे इंसान पे भरोसा किया। लेकर जाओ इसे। बेटी अब तुम भी घर जाओ, पापा चिंता कर रहे होंगे। इसे तो मैं संभाल लूंगा। बेहद चालाक था अनुज, बहुत सोच समझकर उसने ये पूरा जाल बिछाया था, लेकिन अंत में वो एक बहन के प्यार को मात नहीं दे पाया। अनुज उर्फ रजत को धोखाधड़ी के लिए आईपीसी के सेक्शन 415 और 417, अदिति की हत्या के लिए सेक्शन 302 और प्राची को जान से मारने की कोशिश के लिए सेक्शन 307 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। हमने पकड़ लिया। अपनी बहन की मौत का सच जानने के लिए प्राची ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, पर अंत में उसका हौसला ही था जिसने उसकी बहन के कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अगर अदिति ने शुरुआत में ही अपने पिता को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो आज हालात कुछ अलग ही होते। हमारे जीवन में शायद माता पिता ही तो ऐसे दो लोग हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, जिनके साथ हम अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे राज बेझिझक बांट सकते हैं। यकीनन हम सभी अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमारी इस कोशिश में कहीं बच्चे हमसे दूर ना हो जाए, क्योंकि जब हमारे बच्चे
हमसे निसंकोच दिल खोलकर बात कर पाएंगे, तभी शायद हम उन्हें भविष्य की उन गलतियों से बचा पाएंगे जिनकी शिकार अदिति हुई। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, मिलजुल कर रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।